नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं और फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मकान बना हुआ था जिसमें आग लग जाती है। ये तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये करनाल के शुगर मिल के पास से सूरज कॉलोनी है, वहां की दिखा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घर के अंदर 4-5 लोग थे जिस वक्त आग लगी। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सिलेंडर में आग लगने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। ये पूरे घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर कितने घर थे? यहाँ पर एक ही घर था। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, फिलहाल सिलेंडर फटा है। ठीक है भाई, सिलेंडर फटा है, सिलेंडर फटा है भाई। आप देख सकते हैं कि ये आग जो लगी है वो सिलेंडर फटने के कारण लगी है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। जो यहाँ पर सामान था, यहाँ पर मकान बना हुआ था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिलहाल यहाँ पर मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं बेड था और भी जो तमाम चीजें थी वो जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो करनाल के शुगर मिल के पास से दिखा रहे हैं। सूरज कॉलोनी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे हुआ हादसा? हुआ कैसे? सिलेंडर में लगी बड़े भाई, सिलेंडर में लगी। सीधी बात करो, सिलेंडर में आग लगी बड़े भाई, सिलेंडर के कारण नुकसान हुआ जी, ये बताएगा मालिक सिलेंडर के कारण है जी। वो सारा कुछ नुकसान होगा जी। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या हुआ? हुआ क्या? कितने बजे हुआ? मेरे भाई कितने बजे की बात है? 7:30 के बाद। क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पर? साहब जी सिलेंडर में लगी है जी। हमने 1 घंटे से पहले फोन करा, अभी कोई ना कोई कार्य कोई नहीं जी, ना मौके पर पहुंचा ना कोई। हमने 5-6 फोन मिलाए जी, कोई कुछ नहीं आज ना सर जी। क्या क्या सामान था इसके अंदर? देखो जी, गरीब आदमी बर्तन बोतल चल गया जी, बेड चल गया, बेड चल गया, गरीब आदमी कुछ नहीं करेगा, करेगा बुट्टी सब चल गया, खाने पीने चल गया। हमारे पड़ोसी जी, आप इससे पूछो क्या हुआ, कितने बजे, कैसे, पूरा हादसा बताइए। 7:30 की बात है जी। ये मशीन, बेड, फ्रिज, कूलर सब कुछ चला गरीब आदमी। 40,000 रुपए कैश थे इसके, जो गुरु मत लिए थे। क्या कैसे? सिलेंडर में आग लगी थी, सिलेंडर में आग लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो सारा सामान है वो जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेड भी जल गया पूरा। करनाल की शुगर जो मिल है उसके पास जो कॉलोनी है सूरज कॉलोनी, वहां पर ये घर था और फिलहाल पूरा जो घर है उसके अंदर जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के शुगर मिल इलाके से। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग जो परिवार के थे वो भी परेशान है, दुख है। कि कैसे हुआ हादसा ये आंटी जी? सिलेंडर में कैसे हुआ आंटी जी? ये सिलेंडर में आग लग गई भाई, सब नाच पानी इसका कपड़ा लत्ता सब। कितने लोग मौजूद थे घर में तब? इसका 4 बच्चे। क्या कैसे हुआ अंकल जी ये हादसा वगैरह? आग लगी थी जी, सिलेंडर में आग लग, रोटी बना रहे थे तो सिलेंडर में आग लगने के बाद रोटी बन बनाई थी, चाहे कुछ भी कर रही थी, आग चल रही थी तो उसमें सिलेंडर में से झुग्गी में आग लगी जी। इन्होंने बेचारों ने जान बचा के अपने बाहर निकल गए, कुछ सामान था, पैसे थे, गुरु अमृत उठा रहे थे, और उसमें मतलब सारे फूके हो जी, और नाच था 6-7 बोरी जी, वो भी फूक गया सारा। घर के लोग बच गए हैं सारे? हाँ जी, घर के लोग बच गए। आप साइड हटी है, साइड हटी। अच्छा आपसे क्या हुआ आंटी जी, कैसे हुआ जी? मैं दूध काढ़ का अंदर गई थी, गाय का बहू मेरी बेटे बाकी थी छोटी, दवाई दुआ का आए थे, दो बच्चे छोटे यहाँ पड़ी थी, मम्मी मेरी सो रही थी यतीन, अच्छा यहाँ पे सोई थी। मैंने कहा भाभी से छोटी से, मैं बेटे बाहर तो चल गर्मी है यहाँ, पहले उसको बाहर काढ़ का मैं दूध रखन लगी, मैं दूध रखन लगी, दूध पानी गिर रहा, दूध में बने गिलास पाया दूध था, मगर बच्चों ने पिया दूंगी। बस इतनी देर मैंने नहीं पता चला क्यूकर तो उसमें आग लगी, क्यूकर कड़े से आग आई, मन तो एकदम बुझानी सोती नहीं मेरे आग। चुप 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 च
तेरा आराम तो पानी 20-25 साल हो गए सर इसी में पड़ी मैं तो अपने बच्चे ने लिया मैंने किसी का कुछ नहीं मांगा करियर कार्य कितने लोग थे घर में जब आग लगी ये तो 10 जने थे 10 बच्चे थे हम 10 जने थे तो छोटे बच्चे हैं 3 मेरे बच्चे मेरी मम्मी मेरे भैया मेरा घर वाला और मैं आप भी घर में थे तब क्या 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 हुआ क्या था पहले में बात आग लगी ना एकदम अचानक लगा अंदर भागे तो ये आग अंदर भागे तो अब जो कोशिश कर नहीं बुझी उसके बाद हमने बोरी भी गिरी पानी भी गिरा नहीं कुछ भी होया यहाँ से आग लगी ऊपर चढ़ गए सर बार बोल रहे हमने बार काट दे बोला भाई बार हो लो बेटे सारी जान बच गई। सबसे राहत की बात ये है कि सबकी जान बच गई है लेकिन सामान का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरा जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है, धुआं आपको अभी भी नजर आ रहा होगा। कुछ कैश था वो भी जलकर खाक, बेड था वो भी जलकर खाक, जो सामान था वो भी जलकर खाक, पूरा परिवार जिनका सामान इसके अंदर था वो सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिलहाल ये तमाम लोग प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि प्रशासन भी इनकी मदद करें। आप क्या घर में ही थे उस दौरान? मैं यहाँ तो पड़ोसी हूँ। हाँ, क्या हुआ क्या था? यहाँ तो एकदम दीग उठ गया जी, कंट्रोल से बाहर हो गई, एकदम धमाका उठ गया जी। निचली जब पड़ोसी आग बुझ गया, मतलब नहीं पड़ोस कब हुई मशीन आई जी, ऐसा सिलेंडर वहाँ पे रखे जी सर, उसमें ड्राम में डाल के रखा गया जी। गरीब आदमी बाबू जी, ये गरीब आदमी जान बच गई जी, जान बची जी गरीब आदमी तो बेचारे बहुत ही। क्या कैसे हुआ था ये सब? हम नहीं थे यहाँ। अच्छा पड़ोस। अच्छा तो क्या अपील करेंगे, प्रशासन क्या मदद करे? हम तो ये गरीब आदमी तो मिलना चाहिए, उठाया था ना वो बिगड़ गया सारा, 40,000 रुपए के एक थे ग्रुप से लिया जनानी वाले से जी, वो भी चल के राख हो गया बेचारा जी। तो कैश भी जलकर खत्म हो गया है ऐसा पड़ोसियों की तरफ से भी बताया जा रहा है, वो लोग जो इस घर में रह रहे थे उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है। पूरा आप देख सकते हैं कि आसपास की जो लकड़ी है और जो आसपास उपले थे उनमें भी आग लग जाती है, जिसके कारण जो आग है वो ज़्यादा उफान पर हो जाती है, ज़्यादा वो आग पकड़ लेती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जो हमने शुरुआत में तस्वीरें दिखाई आपको। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि जो सामान है वो जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, उसमें से भी धुआं फिलहाल निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रशासन से भी अपील करेंगे कि प्रशासन भी इन तमाम लोगों की मदद करें जो इस परिवार के लोग हैं जो इस घर में रह रहे थे। और परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेंडर था उसमें आग लग जाती है और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो बाहर आते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं करनाल के शुगर मिल के पास, जो सूरज कॉलोनी है वहां से। और फिलहाल जो वो सिलेंडर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें आग लगती है, ये वो सिलेंडर है जिसमें आग लगी है। समय रहते इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन परिवार का जो घर था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है। और फिलहाल परिवार के क्या कहना चाहेंगे आंटी? भाई देखे तो इसके हम बताओ भाई 50,000 तो इन्हें रुपया ठहरा था, नहीं हर भाई कुछ इसका जेवर था, मतलब जेवर था भाई छोरे की शादी चुंगी वो लाए थे 40,000 नगद था इसका। राहत की बात ये है कि परिवार वाले सब सुरक्षित हैं, लेकिन नुकसान काफी हुआ है, क्योंकि सूरज कॉलोनी में ये रहते थे, दिहाड़ी मजदूरी करके यहाँ पर अपना गुजारा करते थे। प्रशासन से अपील कर रहे हैं, पड़ोसी हैं चाहे परिवार के लोग हैं, कि इनकी मदद की जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन सामने आकर इन तमाम लोगों की मदद करें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।